हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला। और आज हम बात करेंगे कि 24 जुलाई 2023 को माहिदा लुसान ख़त्म होने के बाद तुर्की क्या इकदाम करने वाला है। जैसा कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक बहुत बड़ी और अजीम खिलाफत थी, इसकी ताकत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब यह खिलाफत टूटी तो बहुत से मुल्क वजूद में आए। पहले जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ममालिक ने तुर्की के खिलाफ सर उठाया और इन पर दबाव डालते हुए इनसे एक माहिदा किया जो कि 100 साल का था, जिसे आज हम माहिदा लुसान के नाम से जानते हैं। इस माहदे के तहत तुर्की अपनी ज़मीनों से तेल नहीं निकाल सकता था और अपनी हदूद में आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों से किसी भी किस्म का टैक्स भी वसूल नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी पाबंदी तो ये थी कि तुर्की खिलाफत कायम नहीं कर सकता था। लेकिन अब 24 जुलाई 2023 को तुर्की का माहदे लुजान ख़त्म हो जाएगा, तो क्या तुर्की अब अपनी तमाम पाबंदियों से आज़ाद होने के बाद दोबारा खिलाफत कायम करेगा या नहीं, इस बारे में आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।